हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने भरा नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के कई धुरंधर नेता रहे शामिल। आपको बता दें कि रीवा संसदीय क्षेत्र की अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा आज 4 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र जमा कराने के लिए कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, अजय सिंह राहुल सहित कई नेता दिग्गज शामिल रहे। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा दिए गए विवादित बयान को पलटवार करते हुए अजय सिंह राहुल ने माफिया से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वह जिनकी माफियाओं के साथ रहते हैं उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस बार परिवर्तन की लहर है। वर्तमान सांसद ने क्या किया या नहीं किया, लेकिन संसद पहुंचने के बाद भी उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाई, ये चर्चा का विषय है गांव में। नीलम जी हम लोगों की तरफ से उम्मीदवार हैं, विधायक रह चुकी हैं और हम सब लोग उनके लिए जी जान लगाकर पार्टी को जिताए। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि पार्टी इनको वोट नहीं देगी जनता, ऐसा है। वो किसकी छत्रछाया में रहते हैं मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन से माफिया हैं वो लोग, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस तरह से कोई टिप्पणी करे। लोकसभा में जो उम्मीदवार जीत के गए उन्होंने क्या दिया रिवाज जिले में, लोकसभा में बोले भी तक नहीं। अब कोई बाथरूम साफ करने से काम पर चलता हो और फोटो खिंचाने से तो अलग बात है, इसलिए परिवर्तन। व्यक्ति के विरोध पर पार्टी उतरेगी या फिर सरकार के विरोध पर? हम भाजपा के विरोध पर, कोई व्यक्ति विरोधी नहीं। धन्यवाद। आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है? देखिए अभी हमारे भाई साहब ने आपको बता दिया है कि जो अभी आपके तत्कालीन सांसद जी रहे जनार्दन मिश्रा जी, उनके द्वारा एक भी किसी भी प्रकार की कोई मदद जनता के लिए नहीं की गई है, ना ही उन्होंने सदन में कभी अपनी बात रखी। मेरे ये मुद्दे रहेंगे कि मैं जनता के हित में जो भी कार्य होंगे सबसे पहले वो मुद्दे उठाऊंगी, और हमारे यहाँ जो भी रोजगार की, किसानों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इस सब में मेरी पहल रहेगी। अब हो गया ये जनता जनार्दन बताएगी कि क्या टक्कर होगी, और हम सब तो पूरी कोशिश के साथ लगे ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हमें जरूर सफलता मिलेगी। जनार्दन मिश्रा का कहना है कि शराब पैकारों को जनता वोट नहीं देगी। अब हो गया वो उनके विचार है, अब ये उनके विचार है, इसमें अब हम लोग क्या कह सकते हैं। एक महिला को वो अगर इस टाइप से अभद्र भाषा से बात करते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है और उनके विचार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग पत्रकार हैं तो पता कर लीजिए कितने मामले हैं, हम तो कभी ठंडा भी नहीं पीते हैं, तो पैकारी की तो बात ही बहुत दूर है। हो गया, उनको करने दीजिए, करने से क्या होता है, जनता भी जानती है। उनकी बातें